भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह, जी हाँ पवन सिंह आजकल बहुत ही सुर्खियों में हैं, इसलिए क्योंकि लगातार जिस तरह से वो खबरों में हैं, वो पॉजिटिव खबरों में हैं, उसे देखकर यही लग रहा है कि इस वक्त सिर्फ काम 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 और काम 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 ही करना चाहते हैं पवन सिंह। इसलिए तो मीठा मीठा बातें कमरिया 2, जी हाँ इससे रिलेटेड ये खबर आ रही है कि जल्द ही रिलीज़ होने वाला है ये गाना। जी हाँ इससे जुड़ी हुई ये बात आ रही है सामने कि जल्द ही इस गाने की रिकॉर्डिंग शुरू होने वाली है। इस गाने को अरुण बिहारी ने लिखा है, आशीष वर्मा ने इसका म्यूज़िक दिया है, साथ ही इस गाने की रिकॉर्डिंग जैसे ही पूरी हो जाएगी वैसे ही इसका वीडियो शूट भी होगा और इस गाने का पोस्टर रिलीज किया जाएगा। आपको ये बता दें कि वीडियो शूट की बात जब चल ही रही है तो सभी का मानना है कि इस गाने में डिंपल सिंह को ही पवन सिंह के साथ आना चाहिए क्योंकि इन दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है। वैसे डिंपल सिंह और अनिशा पांडे दोनों ही काफ़ी लकी रही हैं पवन सिंह के लिए। अनिशा पांडे महादेव का दीवाना में पवन के साथ दिखी थी तो वहीं डिंपल सिंह मीठा मीठा बात है कमरिया में इनके साथ दिखी थी। और मीठा मीठा बात है कमरिया का शूट जिस तरह से हुआ था, इन दोनों की जोड़ी, इन दोनों की केमिस्ट्री को बहुत पसंद किया गया था। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस गाने को लेकर दर्शक क्यों एक्साइटेड हैं, इसलिए क्योंकि मीठा मीठा बात है कमरिया फर्स्ट टाइम बहुत ही धमाल मचाया था। और आपको ये भी बता दें कि इसके बाद पवन सिंह के कई और बेहतरीन गाने आने वाले हैं, जैसे कि राजस्थानी घाघरा का वीडियो और यार 75 का वीडियो और तीसरा जमाना कहेला पवन सिंह, यानी कि लगातार पवन सिंह अब शूटिंग करेंगे। जी हाँ, और पवन सिंह ने भले ही अभी अपने फिल्मों की शूटिंग नहीं शुरू की है लेकिन ये आसार दिख रहे हैं कि गानों की शूटिंग करने के बाद तुरंत ही वो अपने फिल्मों में भी जुड़ जाएंगे। तो यकीन है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।